Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing simple present tense. Simple present tense, ये जो आपका chapter है, the moon shines and the stars shine, ये related है simple present tense से. Children, मैं आपको simple present tense पिछले video में explain कर चुकी हूँ. Simple present tense किसको बोलते हैं और इसके क्या rule हैं, basic. अब अभी जैसे आप क्लास टू में है तो मैंने उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया है कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स को यूज़ करते हैं. वर्ब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो. टेंस का कोई भी टाइप हो उसमें वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और जैसा मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया था कि अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो हम वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं. लेकिन जैसे ही नाउन एक से ज़्यादा होगा, चाहे वो टू हो या मोर देन टू हो, मतलब एक से ज़्यादा, जैसे ही वो प्लूरल हो जाएगा नाउन तो या प्रोनाउन, तो हम वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे. एज़ इट इज़ जैसा है वो वैसा का वैसा रहने देंगे. ये बता रही हूँ मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं, सारा मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ पे यूज़ होता है ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज, जो ग्रामर बुक की एक्सरसाइज है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 48. पेज नंबर 48 पर है ये आपका. देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था, आप सेंटेंसेस देख सकते हैं. पेज नंबर है 48, पिंकी गोज टू स्कूल, ठीक है. इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है पिंकी गोज टू स्कूल, ठीक है. अब यहाँ पे ये हमारा वर्ब है गोज, ठीक है. पिंकी गोज, मैं इधर आ जाती हूँ कि पूरा मैं फ्रेम में रहूँगी एक्सप्लेन करते समय. अब हमारा वर्ब है गो और उसके साथ ये लगा है ई एस, है ना. पिंकी गोज टू स्कूल, ये ई एस क्यों लगा है, क्योंकि पिंकी एक लड़की है. हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है, एक लड़की है, इसलिए गो के साथ ई एस लगा है. जैसे ही सेंटेंस चेंज हो रहा है, देख रहे हैं उसमें लिखा है पिंकी एंड रिंकी. अब यहाँ पर दो लोग हो गए, पिंकी हो गई और रिंकी हो गए. तो अब क्या होगा, गोज रहेगा क्या, अब गोज नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा हो गए, तो अब वापस हम गो पे आ जाएंगे. ओरिजिनल वर्ब हमारा गो है, ठीक है. पिंकी एंड रिंकी गो टू स्कूल, समझ में आया. थर्ड सेंटेंस देखिए, माई टीचर टीचेज अस, माई टीचर अब यहाँ पे हमारा वर्ब है टीचेस, वर्ब हमारा है टीचेस. तो यहाँ पे देखेंगे ई एस लगा हुआ है. क्यों ये ई एस लगा है, क्योंकि जो टीचर है वो एक है, सिंगुलर है, एक टीचर है, इसलिए टीचेस. लेकिन जैसे ही टीचर आप एक से ज़्यादा कर दोगे, टीचर्स कर दोगे, अगर माई टीचर्स, ठीक है, या माई टीचर्स की जगह हम आर टीचर कर दें, हमारी टीचर, ठीक है, आर टीचर्स. अब यहाँ टीचर एक से ज़्यादा हैं, टीचर्स हैं, तो अब ये ई एस हटा देंगे, हम लिखेंगे टीच, सिर्फ टीच का टीच ही लिखेंगे, आर टीचर टीचर्स, ठीक है. नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल, The moon shines at night. The moon shines at night. अब यहाँ पे क्या लिखा है, shines, S लगा हुआ है. क्यों S लगा है, क्योंकि moon तो एक है, singular noun है हमारा, इसलिए यहाँ पर S लगा है, ठीक. लेकिन जब हम स्टार्स की बात करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे दी स्टार्स शाइन
एट नाइट। अब देखिए यहाँ पे स्टार्स, एक से ज़्यादा स्टार हैं, एक से ज़्यादा स्टार हैं, इसलिए यहाँ पर जो एस था वो हटा दिया गया, यहाँ पे सिर्फ शाइन है, द स्टार्स शाइन इन एट नाइट। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन तो वर्ब में आपको आप प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब आपका सिंगुलर की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इसको इरेज कर दें, थोड़ी जगह हो जाए लिखने की। लेट मी टेक क्लॉथ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड प्लक्स मैंगो फ्रॉम द ट्री। अ चाइल्ड प्लक्स फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर एक बच्चा है, चाइल्ड क्या है, एक है, इसलिए प्लक्स, एक बच्चा है इसलिए प्लक्स। अब यहाँ पे आप सोचोगे मैंगोज लिखा है, मैंगोज तो एक से ज़्यादा होते हैं, ये भी तो नाउन है, पर हमें वो नाउन नहीं देखना है, हमें तो सब्जेक्ट नाउन देखना है, जो एक्शन कर रहा है उस पे ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट वाला नाउन है ना, जो एक्शन कर रहा है, जो इस वर्ब को करेगा उस पे फोकस करना है, वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तब एस ई एस या आई ई एस लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, जो मेन डूअर ऑफ द एक्शन है उस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर बच्चा एक है इसलिए प्लक्स, जैसे ही बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, सम चिल्ड्रन प्लक, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लक, क्योंकि चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो प्लक हो जाएगा, ये एस हट जाएगा, सम चिल्ड्रन प्लक मैंगोज फ्रॉम द ट्री। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे चलते हैं, और वहाँ पर कुछ जो अभी मैंने आपको समझा एग्जैक्टली वही चीज़ आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन की जा रही है। देखिए एक टेबल जैसा बना हुआ है, नाउ आई हैव टू कम दिस साइड, लिखा है आई वी यू दे चिल्ड्रन Joy and Cammy, और इस तरफ एक साउंड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, मेक अ लॉट ऑफ noise and another sentence is do the work regularly, do the work चले आते हैं, बात करते हैं। ये जितने भी आपको यहाँ पर nouns या pronouns दिख रहे हैं ये generally plural हैं, I और you को छोड़कर, यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी यूज़ होता है, आई हम हमेशा अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, प्लूरल हैं, वी प्लूरल है, स्पीकर और उसके साथ बाकी लोग, दे बहुत ज़्यादा लोग, वो सब, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चे, यहाँ जॉय और कैमी दो लोग हैं, आई और यू जो है वो उसके साथ हमेशा ये वाली चीज़ यूज़, जो प्लूरल के साथ हम वर्ब्स यूज़ करते हैं वही वर्ब हम आई और यू के साथ भी यूज़ करेंगे, जो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर्ब्स यूज़ होता है सेम वैसे ही फॉर्म में, सेम उसी फॉर्म में वर्ब आई और यू के साथ यूज़ होगा,
ठीक है, आई मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, आई डू द वर्क रेगुलरली. वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, वी डू द वर्क रेगुलरली. यू डू द वर्क रेगुलरली या यू मेक अ नॉइस, इन सब के साथ आप ये सेंटेंस देखेंगे, लेकिन हमको फोकस करना है वर्ब पे. वर्ब हमारा मेक है, सबके साथ मेक आएगा. आई मेक, वी मेक, यू मेक, दे मेक, चिल्ड्रन मेक, जॉय एंड कैमी मेक अ लॉट ऑफ नॉइस. यहाँ पर वर्ब हमारा डू है. आई डू द वर्क रेगुलरली, वी डू द वर्क रेगुलरली, यू डू द वर्क रेगुलरली, दे डू द वर्क रेगुलरली, चिल्ड्रन डू द वर्क रेगुलरली, जॉय एंड कैमी डू द वर्क रेगुलरली. ये दोनों जो वर्ब है उसमें कहीं भी एस ई एस या आई ई एस नहीं लगा हुआ है. ठीक है, अब हम इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. डूअर ऑफ द एक्शन चेंज हो गया. अब यहाँ पे है ही शी इट चाइल्ड एंड जॉय. अब जो यहाँ दिख रहे हैं ये सारे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हैं. ही एक मेल जेंडर के लिए, शी एक फीमेल जेंडर के लिए, इट एक नॉन लिविंग थिंग के लिए या जिसका हमें जेंडर ना पता, और चाइल्ड एक बच्चा, जॉय एक लड़का. अब इनके साथ यहाँ पे वर्ब में क्या चेंज होगा? अब ये जो मेक है ये हो जाएगा मेक्स, एम ए के ई एस, और डू का हो जाएगा डज, डू में हम लगाएंगे ई एस. ठीक है, डू का हो जाएगा डज. ये ई एस और ये एस क्यों लगेगा? क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं. ही मेक्स, शी मेक्स, इट मेक्स, चाइल्ड मेक्स, जॉय मेक्स. ही डज, शी डज, इट डज, चाइल्ड डज, जॉय डज द वर्क रेगुलरली. आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है कि किस तरह से ये सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है तो हमारे को वर्ब को कैसे यूज़ करना है, और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो किस तरह से हमें वर्ब्स को यूज़ करना है. ठीक है, चलिए एक बार इरेज कर दें और सो दैट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड द एक्सरसाइज. चलिए अब मैं आपको ना कुछ एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मतलब अभी हम चैप्टर की एक्सरसाइज पे नहीं आए हैं, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ. मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ज़्यादा आपका ये क्लियर हो जाए. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और यहाँ पर दे देती हूँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, जैसे कि लिखा है बी bell ring rings at 8 a.m. the bell ring or rings at 8 a.m. अब जो ये मैंने लिखा है the bell ring या rings, इसमें आपको क्या लगता है बेल के साथ रिंग होगा कि रिंग्स होगा? बेल के साथ रिंग्स होगा. क्यों रिंग्स होगा? क्योंकि हमारा जो बेल है वो सिंगुलर नाउन है. ये सिंगुलर नाउन है, एस सिंगुलर नाउन है, इसलिए एस वाला यूज़ करेंगे. ठीक है, सेम इसी सेंटेंस को अगर लिखना है द बेल्स तो रिंग या रिंग्स क्या होगा? अब यहाँ पे हमारा बेल्स है इसलिए अब होगा रिंग. द बेल्स रिंग एट 8 a.m. गॉट इट? एक सेंटेंस और ले लेते हैं. सीमा सिट्स होगा या सिट होगा नेक्स्ट टू मी.
सीमा सिट्स या सिट? चिल्ड्रन, सीमा सिट्स होगा. क्यों? क्योंकि सीमा एक है, एक नाउन है. अगर सीमा के साथ मिट्ठू कर देते हैं, मिट्ठू, तो हो जाएगा सिट्स या सिट. क्या रहेगा अब यहाँ पर? हमारे क्या हो गए? दो लोग हो गए. सीमा एंड लिख देते हैं, सीमा एंड मिट्ठू. अब ये सिट्स नहीं होगा, अब हो जाएगा सिट. सीमा एंड सिट, मिट्ठू सिट नेक्स्ट टू मी. अब यहाँ पे क्योंकि दो लोग हैं इसलिए हो जाएगा सिट. अब ये एस वाला हम यूज़ नहीं करेंगे. गॉट इट? ये आपको मैंने दो सेंटेंसेस और इस तरह के बता दिए. अब हमें करना है एक्सरसाइज इस चैप्टर का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है कंप्लीट. अब हम एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करना है. नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इसको, वीडियो को देखिए, समझिए. किसी तरह का डाउट है तो ऑनलाइन क्लास में उसे क्लियर करेंगे. ठीक है, थैंक यू.